जी सजनों बेलियो मित्रों, मैं तेरा अपना सरफराज सफी और तुसी सारे दे सारे मेरे अपने जी सफी। कहना होंगे कि चलिया जी नू जी हुंदी है, होर मुहब्बत की हुंदी है। बहुत सारिया मुहब्बत लैके सफी तेरी खिदमत चल रहे। और दोस्तों कल लाहौर एक जलसा होया, जलसे ते बहुत सारे मुआजने हो रहे, उन्दे ते बहुत सारे तबसरे हो रहे, तजजिए हो रहे। लेकिन कुछ गल्लां जिहड़े साडे तजजियाकार और तबसरा निगार और कौरव निगार आ, वो एक कुछ गल्लां बिल्कुल ही भुली जांदे आ। गल ये आ कि जलसे तो पहले तुसी थ्रैट दिते, सरकार ने थ्रैट दिते कि मरियम नवाज तेनू तेरी जान का खतरा ही, बिलावल भुट्टो तेनू तेरी जान का खतरा ही, मौलाना फजल रहमान तेनू तेरी जान का खतरा ही, सरदार अयाज सादक तेनू तेरी जान का खतरा ही, शाह खाकान अब्बासी तेनू तेरी जान का खतरा ही। फिर तुसी क्या कि शदरे दे विचों असी दहशतगर्द फड़ लिया और जलसे वाले दिन उत्थे दहशतगर्दी हो सकती जलसे दे विच, और जिहड़ा जिहड़ा बंदा उत्थे जाना है उन्हें अपनी जान ते खेडण वास्ते ही जाना है, ते जिहड़ा जाना चाहता जावे ते फिर कारवाई जिहड़ी ओह ओपोजिशन ते होएगी। फिर तुसी इह भी कीता कि करोना बहुत ज़्यादा जे उत्थे कोई ना जायो। अच्छा, फिर तुसी इह भी कीता कि डी जे बट जिहड़ा इहनां नूं ओह सारा कर रहा सी सिलसिला साउंड सिस्टम और ये वो तराने शराने, कि उहनूं फड़ लो जी, उहनूं गिरफ्तार कर लो। फिर तुसी इह भी कीता कि बट कढ़ाई ते जाके इहने मरियम नवाज ने रोटी खाधी है, बट कढ़ाई ते परचा दवो और इहनां नूं अंदर बंद कर दो और इहनां दी हट्टी जिहड़ी है उहनूं सील कर दो। अच्छा, हुण जिहड़े उत्थे गए आ हज़ारां दी तादाद च लोक, वह सच्ची गल आ, जान तो खेड के ही गया ना, मतलब एडा वड्डा रिस्क लिया उन्होंने कि अच्छा जान जाती तो जाए तो कोई गल नहीं। फिर उत्थे जिहड़ी ठंड सी, जिहड़ी सर्दी सी, तुसीं अद्धा घंटा नहीं बह सकते ठंड दे विच, जरा मैनूं बह के विखाओ, सारे तजजिया घर जिहड़े वड्डे वड्डे बने हुए आ, जरा बह के विखाओ मैनूं थोड़ी थोड़ी देर ठंड दे विच, पता लग जाए कि ठंड हुंदी की आ और सर्दी दे विच चार पाँच घंटे बहना हुंदा की आ। इस दे बावजूद एक वड्डा और भरपूर जलसा होया, लेकिन बाज़ तबसरा निगार, तजिया निगार और बाज़ सो कॉल्ड ऐसे जर्नलिस्ट जिहड़े कि लिफाफा जर्नलिस्ट आ मुख्तलिफ पार्टियां दे, वह कहिंदे आ कि जी जलसा जिहड़ा वह नाकाम हो गया। और नाकामियां भाई ये हुंदियां, अच्छा वह हवाला देंदे आ 86 दी बेनज़ीर शहीदी जिहड़ी अमद सी पाकिस्तान दे विच, यार वह जनून होर जनून सी, उहदे नाल इस दा मुआजना किद्दां हो सकता है। फिर वह हवाला देंदे आ इमरान खान दे जलसे दा जिहड़ा 2011 च मीनारे पाकिस्तान च होया सी, कि उदों कोई थ्रैट सी दहशतगर्दी दा, कि उदों बंदे फड़े जांदे सी, कि उह उदों करोना सी, कि उदों इन्नी ज़्यादा सर्दी सी, उत्थे अक्तूबर दे विच जलसा होया सी। कुछ सोच लिया करो, कुछ वेख लिया करो, हालात हाजरा भी किसी ने वेखना हुंदा है, एवें अन्ने वाह मारी जानियां ढाके बंगाले दियां और अपने आप नूं वड्डा वड्डा जर्नलिस्ट भी कही जाना, मैनू ते समझ नहीं आती कि अकलां कित्थे टुर गईआं। खैर, अकलां तिहाड़ियां जींदियां रहन, वसदियां रहन, तिहाड़ियां अकलां वास्ते दुआ ही कीती जा सकती है। और जलसे दे विच होया कि बिलावल भुट्टो सरदारी ने कोई शक नहीं कि एक तरह का जलसा लुटिया। दूजे पासे मरियम नवाज शरीफ ने बकायदा ISI दा कई बारी नां लिया, पातशाह दा नां लिया, जनरल पातशाह दा नां लिया, जनरल ज़हीरुल इस्लाम दा नां लिया और उस जरनैल दा, उस करनैल दा भी नां लिया जिहड़ा इस वेले असैंबली चलाण डिया है। एक शौर दिता नवी नसल नूं कि किस हद तक इनवॉल्व आ साडे मुल्क दी सियासत दे विच साडी इस्टैबलिशमेंट। दूजा शौर बहुत वड्डा जिहड़ा है वह दिता अपना मियाँ नवाज शरीफ ने कि यार इस्टैबलिशमेंट है काम करती है तो की हुण मैं महकमा ज़रात ते इस काम का जिम्मेदार महकमा ज़रात नूं बणावां, कि औकाफ नूं बणा दा, कि महकमा सेहत नूं बणा दा या महकमा जंगलात नूं बणा दा। यह सोचण वालियां गल्लां है, यह कोई छोटियां गल्लां नहीं हैगियां। और बिलावल भुट्टो ने तो बड़ी बड़े दलेरना तरीके नाल कहता और इंकशाफ भी करता, बल्कि दस दिता लोगों कि भाजी ये सानू फोन कॉल्स करते हैं और साडे नाल डायलॉग करना चाहते आ। सरकार नहीं, सरकार का तो जिक्र ही नहीं, सरकार किसी खाते गिणते ही नहीं, इस्टैबलिशमेंट की गल हो रही है।
और बिलावल ने इसका कहा कि बंद करो अपने डायलॉग शायलॉग और बंद करो अपनी फोन कॉल शॉल्स। बकायदा मजाक उड़ा के बकायदा हेठ न बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह सारिया गल् कीतियां और एक तनाजा खड़ा होया सोशल मीडिया से। महमूद चकजई ने उत्थे पंजाबियों नूं ऐ कहता तो पंजाबियों नूं वो कहता। यार एक बंदा पागल है, पागल इत्थों तक कि कराची गया तो उन्हें उर्दू के खिलाफ उत्थे गल्लां कीतियां, कोयटे गया तो बलोचा के खिलाफ गल्लां कीतियां, वो पंजाब च आया लाहौर च आया उन्हें लाहौरिया के खिलाफ गल्लां कीतियां। एक बंदे नूं पागल तो हसना चाहिए है कि लैके तो तुम्हें लीडर बनाई जाओ, लीडर बनाई जाओ। एक 11 जमातां कहिंदे 11 जमातां ने जलसा किया, को अकल दे थोड़े जे ना होण ते फिर बंदा सोचता है ना गल्लां। ओ भाई जी कहिंदे 11 जमातां ने जलसा किया, वो एक एक जमात का जलसा सी। तुसीं मैनूं दसो शेर पाओ दी दा लाहौर दे विच की आ लैण देण, उहदी पार्टी इत्थे कित्थे आ? चकजई दी पार्टी महमूद चकजई दी कित्थे? इत्थे हैदर होती हुरां दी ANP कित्थे? इतने फजल रहमान की JUI दे चलो कोई एक दो दफ्तर तुहानू लभ जाणगे, लेकिन वह है कित्थे? इत्थे किस मैदान दे विच आ लाहौर दे विच उन्हां दा लैण देण की आ? और फिर तुहानू यह भी पता है कि अपोजिशन ने बाहरों दूजिया शहरां दे विचों कॉल नहीं सी कीती, बंदे नहीं सी सद्दे। अपोजिशन ने कहा सी कि असीं लाहौर दे लोक ही जिहड़े आ मुस्लिम लीग नून ने स्पैशली नहीं, तो शेखपुरा गुजरां वाला कोई दूर नहीं सी हैगा, लैलपुर कोई दूर नहीं सी हैगा, कसूर उकाड़ा कोई दूर नहीं सी हैगा, बहुत सारे लोग आ सकते सी, उत्थों भी सदे जा सकते सी, लेकिन उन्होंने नहीं सदे। उन्होंने कहा कि लाहौर के जोड़े लोग होंगे उही बाहर निकलेंगे और असी एक जलसा करके एक मुजाहरा करके दसन की कोशिश करांगे कि इस मुल्क दे विच ज़्यादतियां हो रही और इस मुल्क नूं एस्टैबलिशमेंट जिहड़ी आ उन्हें नप्पिया होया। हुण एस्टैबलिशमेंट विच एस्टैबलिशमेंट लई इस जलसे दे विच बड़ा वड्डा मैसेज आ। जनरलां दे खिलाफ नवाज शरीफ ते पुराना बोलदे आ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ते पुराना बोलदे, लेकिन मैसेज की आ? एक शौर दिता गया है एस्टैबलिशमेंट नूं स्पैशली कि यार हुण बस करो, काफ़ी हो गया, बंदे बथेरे लापता हो गए, बंदियां नाल फाए भी चढ़ा लै, बंदे कोड़े भी मार लै, समरी कोटां भी भुगत लईआं, इह सिलसिला 17 सालां तों चलण डिआ, इह सिलसिले नूं हुण बंद करो यार, हुण नवीं नसल जिहड़ी अज दी नवीं नसल आ वो ये सारे रौले नहीं मानती। मैं समझना कि एक भरपूर जलसा सी, एक तगड़ा जलसा सी, इन्नी ठंड के बावजूद जान जोखा च पा के जान दा ते ला के अपने आप नूं मार के और ये सोच के कि मैं चला वा जलसे तो पता नहीं मुड़ के आना है कि नहीं, फिर भी उत्थे पहुँचना और इन्ना रश करना और लाहौरियां ने साबित किया है कि जिंदा दलानी लाहौर है, जींदे रहो वसदे रहो, फिर मुलाकात होंदी है।